नेपाल को मिले नए पीएम, शेर बहादुर देउबा ने नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ। उत्तराखंड सरकार का फैसला, कोरोना में नहीं होगी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ शुरू किया अभियान, लोगों को जागरूक करने के लिए उपवास में होंगे शामिल। सीएम अशोक गहलोत को भारत रत्न देने की मांग, कांग्रेस ओबीसी सेल के संयोजक ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर छिड़ा संग्राम, आरजेडी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। गांधीनगर गुजरात में बना देश का पहला रेलवे होटल, रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया 300 कमरों का आलीशान होटल। फ्रांस ने गूगल पर 4,400 करोड़ का लगाया जुर्माना, कॉपीराइट कानून के उल्लंघन मामले में लगा जुर्माना। WHO ने दी चेतावनी, तेजी से फैल रहा डेल्टा वायरस, ढील देने के हो सकते हैं खतरनाक नतीजे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, 1983 की वर्ल्ड कप टीम में थे शामिल। BCCI अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली पर बनाई जाएगी बायोपिक, रणबीर कपूर सौरव गांगुली की भूमिका निभाते आ सकते हैं नजर।